सारी गर्ल्स को देखना चाहिए, और ये जो अब्दुल मेरा अब्दुल अच्छा है उसको ये एकदम देख के समझे। जो लड़कियां पागल रहती है ना मुस्लिम बॉयज को देख के एकदम पगलाई रहती है, बस पेरेंट्स गए भाड़ में, तो इस मूवी से तो उनकी पूरी आँख खुलेगी। सारे अब्दुल एक जैसे नहीं होते। हाँ तो ये उन्हीं के मुँह पे तमाचा है। ये लड़की हिंदू मुसलमान कर रही है, अरे तो पैसे पे आ गई, तो भाई तेरे को पैसे नहीं चाहिए? बोलूंगा अरे भाई मेरे को मिलते हैं। परंपरा का प्रचार हो रहा है। आप क्या औकात बता रहे हो सर? जो बागेश्वर बाबा है ये तो बाबा है ही नहीं, ये तो भाजपा ही भोंपू है। ही नहीं, ये तो भाजपा ही भोंपू है। भूकेशन के रावण से फोन पर बात करता हूँ, यदि ऐसा है तब तो इंद्र देवता भी बाबा के व्हाट्सएप पर ही होंगे। दोस्तों फिर से आ चुका हूँ बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर वीडियो लेकर। तो ये बाबा अपने आप को चमत्कारी बोलते हैं, लेकिन एक अंकल ने इन्हें बीजेपी के भोपू कह रहे हैं, हर जगह बज रहे हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है इसलिए हर जगह बज रहे हैं। देखिए वो वीडियो क्लिप। पर्चा पहले से बिफोर टाइम लिख कर रख देंगे और आप जिनको लेकर आएंगे उन्ही का पर्चा निकलेगा। रुको जरा, फालतू बात करके ऐसा तो जिसको ये चमत्कार कहता है वो तो सड़क पर जो बाजीगर होते हैं ना, सड़क छाप बाजीगर, वो भी वैसा वैसा खेल दिखाते हैं। हाँ वही मदारी कहिए, बाजीगर कहिए, हाथ की सफाई दिखाते हैं जो सड़क छाप मदारी है। 10 लाख लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं इस सफोकेशन के कारण, कई लोगों की श्वास रुक जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए। आप क्या औकात बता रहे हो सर? बुरा नहीं मानना सर। देखिए गर्मी में उसमें कितने लोग बेहोश हो गए, तबीयत खराब है। कितने वही ना बोले, इतनी गर्मी है, 40 डिग्री की गर्मी है, मई महीना है, आपने हजारों लाखों को इकट्ठा कर लिया, तो कहते हैं बाबा कि मैं तो रावण से फोन पर बात करता हूँ, यदि ऐसा है तब तो इंद्र देवता भी बाबा के व्हाट्सएप पर ही होंगे। तो इंद्र देवता से भी कहते थोड़ा बादल मंगवा लेते, कुछ बारिश करवा देते, मौसम कुछ मतलब ठंडा हो जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जेल भेजिए, मैं तो यही कहता हूँ, जेल भेजिए, कहिए कि चमत्कार है तो जेल की दीवार तोड़ के निकल जाओ, समझ रहे हो? लेकिन जो सनातन हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है कि अपने आप में एक इतिहास रचा गया। आप क्या औकात बता रहे हो सर? बुरा नहीं मानना सर। और सबसे बड़ी बात, ये बाबा है ही नहीं, ये तो भाजपा ही भोंपू है ना, बीजेपी का भोंपू है। दोस्तों ये हैं खुशबू पांडे, लोग इन्हें बदबू पांडे के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं बदबू ही फैलाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इन सारे अंधभक्तों को पैसा मिलता है मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस बदबू पांडे ने अपने मुंह से कबूल किया है कि इन्हें पैसा मिला करते हैं। ये लड़की हिंदू मुसलमान कर रही है, अरे तो पैसे पे आ गई, तो भाई तेरे को पैसे नहीं चाहिए? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।